राम राम जी सभी भाइयों को। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ हैं भाई अनिल सिंह जी। भाई साहब राम राम। जय सिया राम बाबा जी, सभी दर्शकों को भी जय सिया राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अनिल भाई, कैसा रहा चुनाव, जरा समीक्षा कीजिए। क्या आपने क्या समझा है, कैसे आप रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, क्या है? देखिए बाबा जी, अगर वास्तव में चुनाव के नतीजों की समीक्षा आपको वैज्ञानिक और गणितीय नियमों के आधार पर करनी हो तो एक बहुत ही खर्चीला काम है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है जी। कम से कम आपको 6 महीने का समय लगेगा। आपको कम से कम 1 लाख लोगों से बात करनी होगी और कम से कम 100 करोड़ रुपए इसमें खर्च करने होंगे। लेकिन मैंने ये देखा है कि खास तौर से इस बार के चुनाव में, अब हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज है नहीं कि हम एकदम से प्योरली साइंटिफिक तरीके पर ही जो है 1 लाख लोगों का इंटरव्यू लेने लग पड़े। तो हमने नतीजे आने के बाद लगभग 20 लोगों से बातचीत की और वो 20 के 20 लोग जो है अलग अलग क्षेत्रों से, वो लोग अलग अलग क्षेत्रों से संबद्ध थे। बस एक ही कॉमन डिनोमिनेटर था 20 लोगों में कि सारे के सारे जो है वो पढ़े लिखे लोग थे। हालांकि अलग अलग स्तर पर जो है जनता से उनका जुड़ाव रहा है, अलग अलग समय पर रहा है। जैसे एक प्रशासनिक अधिकारी से हमने बात की, अब प्रशासनिक अधिकारी जो है नेताओं के भी संपर्क में रहता है, पत्रकारों के भी संपर्क में रहता है और जनता के भी संपर्क में है, खासतौर से रिटायरमेंट के बाद। तो उनसे बातचीत करने के बाद जो मेरा जो निष्कर्ष है वो ये है कि आप चाहे जितना पैसा खर्च कर दें, जितना समय लगा दें इसको पूरी तरह से एक्यूरेट इसकी स्टडी के लिए, बहुत सारा पोर्शन जो है आपके रिसर्च के बाद ऐसा बचेगा जो कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, भाई 20 लोगों में से एक व्यक्ति ने हमको बताया कि अग्निवीर योजना को लेकर के जो है लोग बहुत खफा थे सरकार से, और एक व्यक्ति ने यह भी बताया कि अग्निवीर योजना जो है बहुत अच्छी योजना है लेकिन उसमें इंडक्शन कम हो रहा है, जितना लेना चाहिए उससे कम ले रहे हैं। तो अब इससे आप क्या नतीजा निकालेंगे? अब तो अगर आपका सैंपल और ज्यादा बड़ा हो, 1000-10000 लोगों का आप जो है सैंपल ले लें, उनसे यही बात करें, हो सकता है कि 5 लोग कहें कि अग्निवीर योजना के लोग खिलाफ थे, 2 लोग कहें कि अग्निवीर योजना के पक्ष में थे, अग्निवीर योजना बहुत अच्छी योजना थी मगर ढंग से लागू नहीं की गई। तो जितना बड़ा आपका सैंपल साइज होगा उतना एक्यूरेट जो है आपका डिस्क्रिप्शन होगा, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारा फैक्टर ऐसा निकलेगा जो कि अनएक्सप्लेन्ड। आप जो है रिसर्च करके ये पता लगा सकते हैं कि अग्निवीर योजना का इम्पैक्ट जो है 5% रहा। आप पता लगा सकते हैं कि गलत टिकट वितरण की वजह से जो है लगभग 15% लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन ये 10-15% सब जोड़ जाड़ करके भी आप 60-70% का ही बिहेवियर एक्सप्लेन कर पाएंगे, 30% फिर भी ऐसा निकल आएगा जो कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसलिए बाबा जी, मेरा अब अपना इतने सारे लोगों से बातचीत करने के बाद प्लस मेरा अपना इंट्यूशन, ये स्कूल मिला जुला करके मेरा यह विचार है कि सबसे प्रमुख कारण जो इस हार का रहा है, बशर्ते कि इसको हार स्वीकार किया जाए, कुछ अति उत्साही लोग हैं, मतलब अल्ट्रा पॉजिटिविस्ट क्या कहा जाए उनको, जो हार में भी जीत और जीत में हार देखते हैं, तो कुछ अल्ट्रा पॉजिटिव लोग हैं जो इसको हार मानते ही नहीं है, लेकिन हार तो है। तो एक फैक्टर मेरे समझ से जो सबसे बड़ा फैक्टर, और ये 20 लोगों से बातचीत और मेरे इंट्यूशन के ऊपर आधारित है, वो ये है कि जो केंद्र में बैठे हुए जो लोग हैं और खास तौर से मोदी जी, क्योंकि ये चुनाव उन्हीं के चेहरे पर लड़ा गया था, जो उनका घोषणा पत्र था उसमें हर पेज पर जो है 20 जगह मोदी का नाम लिखा हुआ था, हर वाक्य के अंत में मोदी की गारंटी। तो जब अगर चुनाव जीत गए होते तो सारा का सारा श्रेय जो है मोदी जी ले गए होते, निश्चित रूप से उन्हीं की वजह से जीते, और अभी भी जो सीटें जीते हैं मेजॉरिटी उन्हीं की वजह से लोग जीते हैं। तो जब जीत का श्रेय मोदी जी का है तो हार की जिम्मेदारी मोदी जी की कैसे नहीं होगी, ये मेरे समझ में नहीं आता। जो भी व्यक्ति एनालाइज करने के लिए बैठा है सिचुएशन को, उसको कम से कम अपना विजन जो है 360 डिग्रीज का रखना ही चाहिए, हर संभावना की ओर उसको देखना पड़ेगा।
जैसे कांग्रेसी पहले एनालाइज करते थे तो शुरू में ही बोल देते थे कि इस पराजय में आला कमान का कोई दोष नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप आला कमान को दोषहीन पहले से ही सिद्ध करके बैठ जाएंगे तो आप बिल्कुल गलत नतीजे में पहुंचेंगे। तो मेरा ये कहना है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों का और खासतौर से मोदी जी का अहंकार जो है इस परिणाम के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। अहंकार जिसने कि उनको इस तरीके की बात कहने के लिए विवश किया कि इस बार हम 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। ये 400 से ज्यादा सीटें जीतने का जो इरादा मोदी जी ने पार्लियामेंट में व्यक्त किया, देखा जाए तो यही उल्टा पड़ा। इसी को विपक्ष ने जो है सबसे ज्यादा भुनाया। हम इस बात की चर्चा कर मुझे एक मेरा एक सवाल है, आप कंटिन्यू करिएगा कि ये बात उन्होंने अहंकार वश कही थी कि या एक सिर्फ एक सिंपल स्ट्रेटजी थी जो कि बुमरैंग कर गई। इसमें अहंकार वाला तत्व कैसे आ गया, आप जरा इसको इस पे भी प्रकाश डालिएगा। जी कंटिन्यू प्लीज। देखिए स्ट्रेटजी भी हो सकती है, लोगों को उलझाने के लिए इस तरह की बातें भी की जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने इसको भुनाया, अब हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि इलेक्शन वही पार्टी जीतती है जो एजेंडा सेट करती है। एक पार्टी है जो एक एजेंडा सेट कर देती है और जो दूसरा पक्ष है वो फिर उस पर रिएक्ट करता है केवल। अब इस केस में क्या हुआ, 400 सीटें जीतने का जो इनका जो भी चाहे स्ट्रेटजी रही हो या जो भी रहा हो, उसको विपक्ष ने पकड़ा और उन्होंने सवाल ये खड़ा किया कि भाई 400 सीटें ये क्यों जीतना चाहते हैं, जो कि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया क्यों जीतना चाहते हैं। उन्होंने पकड़ा इस पॉइंट को कि 400 सीटें ये इसलिए जीतना चाहते हैं क्योंकि ये संविधान बदलने का इरादा रखते हैं। और अब उन्होंने एक चीज बोल दी कि ये संविधान बदल देंगे, अब ये एजेंडा हो गया, उन्होंने सेट कर दिया एजेंडा। और फिर मोदी जी और अन्य लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष था वो डिफेंड करने में लग गया अपने आप को। अब एजेंडा सेट कर दिया कांग्रेस ने, डिफेंड कर रही है भारतीय जनता पार्टी, नतीजा ये हुआ कि इसका जो लाभ होना था वो एजेंडा सेट करने वाले के पक्ष में गया। अब अहंकार ही एक ऐसा फैक्टर है जो स्मृति ईरानी की हार को एक्सप्लेन कर सकता है। मेरे लिए जो है सबसे शॉकिंग, मतलब दो रिजल्ट जिससे मुझे मतलब बहुत ही तगड़ा झटका लगा, एक तो स्मृति ईरानी की हार और दूसरे मुंबई की किसी कंस्टिट्यूएंसी से उज्ज्वल निकम की हार। उज्ज्वल निकम का जो है ये अहंकार वाले फैक्टर से एक्सप्लेन नहीं होता, लेकिन स्मृति ईरानी की जो हार है उसके लिए मैं समझता हूं कि केवल और केवल उनका अहंकार जो है दोषी है। उनके पिछले दिनों हमने जितने भी इंटरव्यू देखे अलग अलग चैनलों पर, अलग अलग लोगों को इंटरव्यू दिया उन्होंने, और अपना परिचय देने में वो ये बताना कभी नहीं भूलती थी कि मैं ही वो शख्स हूं जिसने राहुल गांधी को हराया है 5 साल पहले। तो भाई वो 5 साल पुरानी बात थी, उसको जो है बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं थी। ये राहुल गांधी को हराने का अहंकार जो है वो मतलब उसने इस तरीके से उनके मन मस्तिष्क को जो है प्रभावित किया कि उनके सामने जो उम्मीदवार था उसको बहुत ही ज्यादा हल्के में उन्होंने लिया, बहुत ही ज्यादा हल्के में लिया। उनको समझ में ही नहीं आया, अंत तक नहीं समझ में आया कि वो कितनी कांटे की लड़ाई में फंसी हुई है, और नतीजा ये हुआ कि उतने ही वोटों से करीब करीब हारी जितने वोट से नरेंद्र मोदी जीते। अब एक ये ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा जो है सीटों पर परिणाम को एक्सप्लेन करता, 100% को यह भी नहीं करता। जैसे मैंने कहा कि उज्ज्वल निकम क्यों हारे, वो अहंकार की वजह से नहीं हारे, कम से कम उसके फैक्टर दूसरे होंगे, मगर सबसे अधिक सीटों पर यही फैक्टर प्रभावशाली रहा। अहंकार की वजह से ही एक ये बात चल रही है उत्तर प्रदेश में, गलत सीटों का वितरण एक ये फैक्टर है। अब जाहिर है मैंने पता लगाया, 2-3 लोग ऐसे थे जो जानकारी रखते थे कि आखिर टिकट जो है कैसे डिसाइड होता है बीजेपी में, तो थ्योरेटिकली तो बड़ा अच्छा, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है प्रोसेस कि पहले जो है वो स्टेट की जो यूनिट है वो अपना रिकमेंडेशन देती है, और आइडियल केस में ये रिकमेंडेशन जो है उनको जिला इकाइयों से ले करके उसके बाद देना चाहिए। तो मान लिया जाए कि जिला इकाइयों से ले करके अल्टीमेटली वो पहुंचता है टॉप लीडरशिप तक, स्टेट यूनिट जो है एक रिकमेंडेशन देती है, राज्य का मुख्यमंत्री जो हमारे केस में योगी आदित्यनाथ है
उनकी रिकमेंडेशन होती है, प्लस जो हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है पार्टी की, उसका अपना एक नेटवर्क है, फीडबैक का नेटवर्क, उसके माध्यम से जो है डायरेक्ट उनके पास भी पहुंचती है रिकमेंडेशन। अब ये तीनों को मिला जुला करके जो है अंत में एक है पार्लियामेंट्री बोर्ड, जो हाईएस्ट डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी है भारतीय जनता पार्टी में, किसी भी पार्टी में होता है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास ये तीन डायरेक्शन से रिकमेंडेशन आती है और इन तीनों पर विचार विमर्श करने के बाद अंत में पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय लेता है। अब चूंकि पार्टी की जो वर्किंग है वो इतनी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी मतलब आप मोदी ही समझिए, बस मोदी, ज्यादा से ज्यादा अमित शाह। अगर न्यूक्लियस में ये दो आदमी बैठे हुए हैं, मोदी और अमित शाह, तो इसमें भी जो है वो अल्टीमेटली मोदी का ही रिकमेंडेशन है जो चलता है। अगर दोनों में कोई डिफरेंस है, एक आदमी दूसरे को नहीं कन्विंस कर पा रहा है, तो जो मोदी कहेंगे वही होगा, यही है यहाँ का सिस्टम। तो अल्टीमेटली जो डिसीजन लिया गया है वो तो मोदी के द्वारा ही लिया गया है, और मोदी ने नीचे से आई हुई रिकमेंडेशन को ओवर रूल करने का जो निर्णय लिया वो अहंकार के वशीभूत होकर के ही लिया, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता इस चीज का। अब हमारे यहां सर, हम तो मैनेजमेंट की दुनिया से आते हैं, क्या होता है जैसे मान लीजिए कि आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं और आपने जी ये आपने कहा ना जो कि टिकट वितरण का जो जिम्मा जो है वो मोदी का है, मुझे लग रहा है कि ये सही नहीं है, मोदी से ज्यादा अमित शाह का था। पार्लियामेंट्री बोर्ड उनके यहाँ है, हाईएस्ट डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी, जिसके की केंद्र में मोदी और अमित शाह ही हैं। ये भी हो सकता है कि मोदी जो है वो अमित शाह की सारी बातें मान लेते हो, एक रूल बना रखा हो कि इनके साथ जो है बहस नहीं करना है। अमित शाह ने लेकिन अगर कहीं सुनिए, अमित शाह ने फाइनल किया, मोदी ने सिंपल यस कर दिया कि अगर आप, जैसे हम लोग कहते हैं मोदी जी कहेंगे तो सही है, कहे होंगे, हम लोग ये बोलते हैं ना, अक्सर जुमला है हम लोग का, मोदी जी किए हैं तो सही है किए होंगे, तो उनका है कि अरे अब अमित शाह किए हैं तो सही है किए होंगे, मोदी जी ने यस कर दिया। पर मैंने सुना है कि टिकट फाइनल करने में जो सबसे बड़ा रोल था वो अमित शाह जी का था। जी ये सब बाबा जी सुनी सुनाई बातें हैं, जो पब्लिक में परसेप्शन है वो ये है कि मोदी और अमित शाह में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है, दो शरीर और एक आत्मा जैसा उनका जो है रिश्ता है। जनरली स्पीकिंग जो है दोनों में परफेक्ट रेजोनेंस है, बिल्कुल सोचने का तरीका दोनों का। मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है कि आज अमित शाह वापस शपथ लेंगे तो गृह मंत्री बनेंगे? क्या अभी भी गवर्नमेंट में अमित शाह नंबर दो की पोजीशन में हैं इस डिबैकल के बाद, आपको लग रहा है? बाबा जी ईमानदारी की बात यह है कि मेरे पास, चूंकि मैं साइंटिफिक डेटा वगैरह के ऊपर बात करता हूं, तो चूंकि मेरे पास इस संबंध में कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है, मैं ये जरूर सलाह दे सकता हूं उनको कि क्या करना चाहिए। अब वो यही करेंगे या नहीं करेंगे ये तो उनकी मर्जी है। अब आप बता रहे थे कि आप वो मैनेजमेंट की कुछ बात बता रहे थे। जी मैं बता रहा था कि फर्ज कीजिए कि आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं और आप अपने कर्मचारियों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस साल का जो हमारा प्रोडक्शन है वो, मान लीजिए कि कोई भी इक्विपमेंट है, मान लीजिए 100 यूनिट बनाना है हमको साल भर में, और एक आपका सबॉर्डिनेट कहता है कि साहब 100 की क्या बात करते हैं, हम तो 150 बना सकते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए थ्योरेटिकली कि ठीक है भाई, जब तुम जो है मैनेजमेंट के टारगेट से आगे जाकर के डिलीवर करने के लिए तैयार हो, तो तुम बताओ कि तुमको क्या चाहिए 150 बनाने के लिए, तुमको जो फैसिलिटी चाहिए वो सब हम देंगे, तुम एकदम मुक्त हस्त से जो है तुम काम करो। होता यह है कि जो आदमी टारगेट से ज्यादा डिलीवर करने के लिए तैयार होता है वो, उसको अथॉरिटी जो है अपने आप मतलब एक्वायर हो जाती है, एक्वायर अथॉरिटी। तो यहां पर क्या हुआ कि जब योगी जी कह रहे थे कि हम 80 में 80 सीटें आपको देंगे, तो होना यह चाहिए था कि जो भी मोदी शाह जो भी है वो कहता ठीक है भाई 80 में 80 की आप बात कर रहे हैं, आप बताइए आपको क्या चाहिए, आप कीजिए सब कुछ अपने हिसाब से, छोड़ दिया आपके ऊपर। मगर ये न करके अब मुझे दोनों तरह की बातें सुनने को मिली, जो मैंने 15-20 लोगों से जो बात की, एक जगह ये भी सुनने को मिला कि ये सारा खेल जो है ये योगी का रचा हुआ है,
ये सज्जन ने तो ये बताया कि योगी को जो है फ्री हैंड बिल्कुल नहीं दिया गया, जो टिकट उन्होंने जिनका नाम रिकमेंड किया था उन सबको जो है ओवर रूल कर दिया गया। और एक सज्जन ने यह भी बताया कि ये योगी ने ही टिकट डिसाइड किए, जानबूझ के ऐसे लोगों को दिया कि वो हार जाएं और अमित शाह की पोजीशन खराब हो दिल्ली में। तो अब इसमें से सच्चाई क्या है ये जानने का तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है। लेकिन अब दो तरह की बातें हो रही हैं सर। एक तो कह रहा है कि एक पक्ष ये कह रहा है कि योगी को हटा दिया जाएगा, दूसरा कह रहा है कि अमित शाह को हटा दिया जाएगा। भगवान जाने क्या सच है। लेकिन जिस तरह की स्थिति निकल करके आई है उसमें तुरंत जो है न योगी को हटाना ठीक होगा न अमित शाह को हटाना ठीक होगा। योगी को हटाने का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता है। जो भी उनकी डायनेमिक्स चलती हो अमित शाह और पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ में, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है आज के तारीख में इतनी ज्यादा वोलेटाइल है कि योगी को हटा देने का परिणाम यह होगा कि आग लग जाएगी, लिटरली आग लग जाएगी पूरे स्टेट में। तो अगर उनके पास कोई ऐसा फीडबैक है भी कि ये सब योगी का किया धरा है, योगी ने मन लगा करके काम नहीं किया, न केवल मन लगा करके काम नहीं किया बल्कि पार्टी के हितों के विपरीत जाकर के काम किया, अगर उनके पास ऐसा फीडबैक है भी तो भी राज्य के व्यापक हित में कम से कम योगी को उनको तुरंत हटाने की बात नहीं सोचनी चाहिए। और वही हाल अमित शाह का है। अमित शाह को भी अगर आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए, मैंने तो कहा मेरा तो बड़ा छोटा सा 20 लोगों का सैंपल के ऊपर मैंने सर्वे करके जो है अपनी कंक्लूजन निकाल लिए, लेकिन जब आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि गृहमंत्री को रखा जाए या हटा दिया जाए तो आपके पास जो है थोड़ा सा ज्यादा बड़ा सैंपल साइज के ऊपर आधारित आपके पास होना चाहिए इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पर आप निर्णय लेंगे। आपको वेट करना चाहिए ये कंक्लूसिवली पता लगाने के लिए कि वास्तव में अमित शाह का ही दोष है, इसके बाद ही आप ये निर्णय लें। और फिर निर्णय लेने का अपना तरीका भी है, एकदम से एक झटके में सर कलम कर देना जो है ये तो किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जी बाबा जी, पर एक बात बताइए, जो बॉडी लैंग्वेज थी एनडीए की मीटिंग के बाद जब एनडीए के नेता प्रस्ताव रख रहे थे तो जो भावभंग में फेशियल एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज योगी जी की थी, ही वॉज डिजेक्टेड, डिजेक्टेड इंग्लिश में जो उसके लिए प्रॉपर वर्ड है वो डिजेक्टेड है, और मुझे तो अवसाद में दिखे, ही वॉज ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड, ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग। तो एक बात बताइए, जिस आदमी ने अगर मान लीजिए उन्होंने जानबूझ के सेबोटेज किया होता तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती ना, सुनिए, वो ऐसे होती, देखा औकात अल्लाह दिए ना बेटा, हम ही से उस्तादी कर रहे थे, आओ बेटा बताते हैं तुमको इस लैंग्वेज में। सर तब बॉडी लैंग्वेज पता क्या होती, तब विजयी भाव से आते। अगर उन्होंने जानबूझ के सब टच किया है तो वो वहां पर विजयी भाव से बैठे होते सर, वो उस मीटिंग में पराजित भाव से बैठे थे, लाचारी थी उनकी बॉडी लैंग्वेज में। आपने अच्छा इस बात को पूरी दुनिया ने वॉच किया है, ऑब्जर्व किया है, और सबका ये कंक्लूजन है कि योगी वॉज डिजेक्टेड। और मैं मुझे ऐसा कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि बंद कमरे में जो बैठक हुई है जिसमें मैंने सुना है कि नड्डा साहब इत्यादि जैसे लोग थे, उस लेवल के लोग थे, उस पर बाकायदा कहा सुनी तकझक हुई और योगी जी ने इस्तीफा मुंह पे खींच के मारा है, ऐसी चर्चाएं भी हैं दिल्ली में। अब बाबा जी 20 मिनट आपके पूरे होने जा रहे हैं, इसलिए मैं एक बात कह करके समाप्त करूंगा कि देखिए न तो योगी जी ऐसे आदमी हैं न मोदी ऐसे आदमी हैं कि सत्ता से जबरदस्ती चिपके रहें। दोनों ही जो है वो सन्यासी किस्म के प्राणी हैं, सत्ता का कोई लोभ जो है दोनों में से किसी को नहीं है। 10 में से 9 आदमी या कहिए 100 में से 95 आदमी इस प्रकार के नतीजे के बाद, मोदी की जगह अपने आप को रख करके सोचिए, आप तो उस लेवल के आदमी नहीं है हालांकि आप भी बाबा हैं, तो 100 में से 95 आदमी जो है वो अपना फेंक देंगे, यह ले अपनी लगो भी कमरिया बहुत नाच नचायो,
भाड़ में गया साला, इतनी मेहनत करने का अगर ये नतीजा है तो भैया तुम लोग रखो अपनी प्रधानमंत्री कुर्सी, हमें ना चाहिए, मैं तो चला। और ये बहुत ही आसान है छोड़ करके भाग जाना, और योगी जी के लिए भी बहुत ही आसान है, उनके लिए कोई मतलब नहीं है सत्ता का। तो मोदी जी आज जो है इस जहर को पीने के लिए तैयार हुए हैं, तो अपने हित में नहीं, देश के लिए। आज के तारीख में अगर वो छोड़ देते हैं कुर्सी तो पूरे देश में जो है साला क्योस जो है फैल जाएगा एकदम से, जैसा हमने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा कि अगर योगी जी को किसी भी कारण से षड्यंत्र रच करके या किसी भी आधार पर जो है उनको हटा दिया जाता है उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश जो है जल उठेगा एकदम से। तो ये दोनों प्राणी जो है एक तरीके से अपने नेचर के विरुद्ध, सन्यासी और सत्ता का जो है देखा जाए तो कोई मेल नहीं, लेकिन अपने नेचर के विरुद्ध ये जो बैठे हुए हैं कुर्सियों पर, ये अपने लिए नहीं, ये हमारे लिए बैठे हुए हैं सर। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि परिणाम जो है वो ठीक है, निराशाजनक है, लेकिन इतना खराब है नहीं। अब बाबा जी आपका समय पूरा हो गया है, नेक्स्ट एपिसोड में इसके आगे मैं बात करूंगा अगर आप इजाजत देंगे। देखिए, मैं मेरे एक मित्र थे, वो बता रहे थे कि फौज में ना कुछ लोग होते हैं, फौज के कुछ अफसर ऐसे होते हैं जो शांति काल में बड़ा, उनका बिहेवियर बड़ा अजीब सा होता है, कूल मस्त, टेंशन नहीं लेना, पड़े हैं, पी रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब मतलब ऐसे रहते हैं वो। पर कहते हैं उनकी असली परीक्षा ही तब आती है जब घड़ी संकट की आती है या युद्ध काल में। देखिए, ये तो हमारे सुभाषितों में भी लिखा है ना कि मित्र है, मित्र हो, पत्नी हो, राजा हो, सेवक हो, आपदकाल पर खिए चारी, आपदकाल पर खिए चारी। तो सर, और एक बात और बताऊं आपको, मालूम है मैं मतलब प्रोफेशनल राइडर हूं, लंबी लंबी राइड्स पे हम लोग जाते हैं, तो आपको मालूम है जब भी एक्सप्रेसवे पे चलते हैं तो नींद आ जाती है। बाइक चला, एक बार तो मैं लिटरली सो गया था, बच गया, बस मतलब भगवान ने बचा लिया कि मैं गाड़ी अपनी बुलेट चलाते चलाते मुझे झपकी आ गई थी। क्यों? क्योंकि सपाट रास्ता होता है, ना गियर शिफ्टिंग ना ब्रेक, तो आदमी ऐसे बैठे बैठे चला जा रहा है, सो जाता है। सर, जब गड्ढे वड्ढे वाली सड़क होती है या जब ऑफ रोड होता है या बहुत ट्रैफिक होता है तो उसमें आदमी सो ही नहीं सकता। तो सर, राइडिंग की परीक्षा असली तो होती है ऑफ रोड पे, जब वो लाहौल स्पीति वाली सड़कों पर आप निकलते हैं है, वहां तो असली राइडर की परीक्षा पता है कहाँ होती है? ऑफ रोड पे। सर, मोदी जी और योगी जी की लीडरशिप की परीक्षा अब है। अब आप कुछ प्रसाइजली, अब मैं केवल एक वाक्य कहना चाहूंगा बाबा जी कि जैसे आपको भगवान ने बचा लिया एक्सप्रेसवे पे, वैसे ही भगवान ने बचा लिया है मोदी, योगी, भारतीय जनता पार्टी और भारतवर्ष को। ये बात जो है, अभी आपने जो प्रारब्ध वाला एक जो हुआ था सेशन जिसमें हमको मुश्किल से 1.5-2 मिनट बोलने का अवसर मिला, उसमें मैंने कहा था कि मोदी जी के ऊपर जो है ईश्वर की विशेष कृपा है और भारतवर्ष के ऊपर तो कृपा है ही। तो ईश्वर का जो दंड होता है वो भी मतलब कल्याणकारी ही होता है, आप भगवान में तो विश्वास करते होंगे। तो ये जो हुआ है इसको एक अवसर के तौर पर लेना चाहिए, और बहुत सारा ऐसा काम इसमें किया जा सकता है जो 400 सीटें ला करके भी नहीं किया जा सकता था। अब ये अगली बार हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं तो इसको पॉजिटिव ही ले रहा हूं कि शायद, देखिए अच्छा मैं सर एक चीज और, मैं आई एम ए फर्म बिलीवर ऑफ दिस वाक्य सूत्र कि गॉड हैज बेटर प्लान्स। मैं इसमें बड़ा विश्वास करता हूं कि ईश्वर के पास हमारे लिए कुछ बेहतर प्लानिंग्स होती हैं, जो हम सोचते हैं उससे बेहतर ईश्वर ने सोच रखा है हमारे लिए। God must be having some better plans for BJP, for Modi and for Yogi. तो सर आज के इसी पॉजिटिव नोट के साथ ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में फिर से आपसे इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आज की चर्चा मुझे बहुत मजा आया, वंडरफुल टॉक, दर्शकों को भी पसंद आएगी। अगले वीडियो में सर फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।
जय।